हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी 50, ओके, एज वेल एज यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस से रिलेटेड बातें करेंगे और एक स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे, जहाँ पर एक अच्छा खासा वो शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है और ऑलरेडी मैं उसमें बायर हूँ। तो आपको बैंक सेलर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है उस स्टॉक्स में और उसके अकॉर्डिंगली आपको पोजिशन लेनी है। तो आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट और ऑल के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको वीडियो यहाँ पर मिले और आप वीडियो का आनंद ले सके और सीख सके, समझ सके। और हमसे कांटेक्ट करना तो ये पर्टिकुलर नंबर दे रखा है, पर्टिकुलर नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करा सकते हैं। एज वेल एज हम स्विंग ट्रेड में यहाँ पर स्टॉक्स देते हैं, तो स्टॉक्स में यहाँ पर आप पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए और सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लेवल दे रखे थे, वही लेवल यहाँ पर अभी भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर बने हुए हैं। उन लेवल के नीचे जाएगी तो यहाँ पर चीजें यहाँ पर बिगड़ती नजर आएगी, बट अभी यहाँ पर हम देखें तो चीजें अच्छी खासी यहाँ पर नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा है, यहाँ पर एक बेहतरीन लेवल, यहाँ अगर इस लेवल को अब निकालता है तो याद रखिए पिवट पॉइंट टेक्निकल हमेशा मायने रखता है मार्केट में, उसी के हिसाब से यहाँ पर चलती है। लॉन्ग टर्म में ये चीजें आपको देखने की जरूरत नहीं है, बट शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में आपको ये चीज देखना बहुत जरूरी है अगर आप मार्केट में रहना चाहते हैं। तो 16,871 में मार्केट बंद हुआ है, 17,190 इस लेवल को अगर निकालता है, 17,190 जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस लेवल को निकालती साथ एग्जैक्ट लेवल 17,220 है, 17,220 को यहाँ पर निकालता है तो एक अच्छी खासी रैली होगी और अगेन यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको अब ऐसे ही अपने स्टॉक्स को यहाँ पर सर्च करना है, तो निफ्टी बैंक यहाँ पर अच्छा खासा नजर आता है और जिस तरीके से यहाँ पर आज कैंडल तोड़ी है तो वो उसमें नजर आता है कि यहाँ पर अच्छी खासी चीजें यहाँ पर ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ तक मार्केट को लेके जाएगी। इसके अलावा बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में भी इसी तरीके के यहाँ पर पिवट पॉइंट बनते हुए नजर आ रहे, एक अच्छा खासा सपोर्ट लेते हुए चीजें नजर आ रही है और आज का ही हाई अगर ये निकालता है 35,435 को यहाँ पर निकालता है तो इसे फिर यहाँ पर ये 35,782 निकालना है, उसके बाद एक अच्छी खासी रैली होगी जो इसे यहाँ पर ले जाएगी और धीरे धीरे करके इस तरीके से चीजें जाएगी। तो निफ्टी बैंक की तरफ ध्यान दीजिए, चीजें अच्छी खासी नजर आ रही है और निफ्टी बैंक एज निफ्टी 50 से यहाँ पर तरह मिलता हुआ या सेम चार्ट पैटर्न बनाता हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ पर चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा इंडिया विक्स की बात करें, ये भी देखना बहुत जरूरी है, याद रखिये इससे भी डेली देखा करें तो यहाँ पर देखिए चीजें ऊपर गई थी, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होकर यहाँ पर चीजें धीरे धीरे नीचे आ रही है। अगेन यहाँ पर एक दोबारा चार्ट पैटर्न बनाने के लिए चीजें नीचे आ रही है, तो इस चीज के लिए कॉशियस रहेगा, थोड़ा सा टाइम लेगी, बट यहाँ पर याद रखिए चीजें यहाँ से जैसे ही ऊपर जाएगी तो यहाँ पर दोबारा एक गिरावट होती ही मार्केट में नजर आएगी। तो इंडिया विक्स को भी इसी तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर टारगेट की बात करें तो यहाँ पर टॉप पर जाने की पूरी कोशिश करेगा यहाँ पर, बट टाइम लगा के यहाँ पर जाएगा, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिहेव भी करना है। इसके अलावा निफ्टी आईटी की बात करें, निफ्टी आईटी यहाँ पर अच्छा दिखाई देता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी आईटी ने आज यहाँ पर एक सपोर्ट जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि जो लास्ट टाइम का यहाँ पर रेजिस्टेंस था उसे यहाँ पर तोड़ के ऊपर निकला है, 35,931 को यहाँ पर क्रॉस करके 36,028 थे, तो धीरे धीरे अब यहाँ पर चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर मुझे नजर आता है कि यहाँ पर 38,000 तक ये निफ्टी आईटी दोबारा यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा और आईटी दोबारा परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो अच्छे अच्छे शेयर्स हैं अपने पोर्टफोलियो में एक्युमुलेट करने हैं और रिजल्ट आने पर याद रखिए रिजल्ट अच्छे आते हैं तो रहना है, नहीं आते तो आपको यहाँ पर दोबारा चीजें नीचे आती हुई दिखाई देंगी। तो निफ्टी आईटी इस तरीके से बिहेव करेगा। इसके अलावा निफ्टी मेटल भी देख लेते हैं, तो निफ्टी मेटल में आई थिंक गिरावट होती हुई नजर आई है, तो यहाँ पर निफ्टी मेटल यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, याद रखिए कंसोलिडेट कर रहा है, गिरा नहीं है, तो यहाँ पर क्या और हो सकता है, यहाँ पर चीजें ऊपर निकल सकती है। यहाँ पर ये कप विद हैंडल पैटर्न बना के यहाँ पर देखिए कप बन रहा है, कप बना के ये छोटा सा हैंडल बना के चीजें ऊपर निकल सकती है, क्योंकि मेटल के दाम जो कॉस्ट है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर चीजें ऊपर जाती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर अगेन चीजें निफ्टी मेटल थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, बट निफ्टी मेटल भी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। चीजें नीचे आए तो याद रखिए दो चार स्टॉक्स ऐसे ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा, वो नीचे आए तो यहाँ पर बाइंग करिएगा, एक अच्छी खासी रैली उनमें भी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके की न्यूज और जिस तरीके के चार्ट पैटर्न में बन रहे हैं तो यहाँ पर शेयर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देते हुए नजर आएंगे।
थोड़े सा टाइम लेगा बट अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे। तो निफ्टी मेटल भी इसी तरीके से आपको अलग अलग स्टॉक्स यहाँ पर अलग अलग इंडेक्स काम करते हुए दिखाई देंगे। हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर स्टॉक्स की जिसका नाम है TCNS क्लोथिंग। TCNS क्लोथिंग की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये स्टॉक्स से रिलेटेड हमने बातें करी थी काफी टाइम पहले, ओके हो चुका है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लगभग 6-7-8 महीने 9 महीने 10 महीने के आसपास, उसके बाद शेयर अच्छा खासा भागा था और यहाँ पर हमने बेच भी दिया था, ओके 20-25% का रिटर्न देके। उसके बाद यहाँ पर अगेन मैंने एंट्री ली थी यहाँ पर बीच में, जब ये शेयर इस 600 कुछ के आसपास चल रहा था, अच्छा खासा यहाँ पर भागता हुआ नजर आ रहा है। एंट्री लेने के पीछे रीजन क्या था, और अगेन यहाँ पर ये शेयर और ज्यादा भागता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे कुछ टाइम में, उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो TCNS से रिलेटेड हम पहले बात कर ले रहे हैं, TCNS करता क्या है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। आपने इनके शोरूम भी देखे होंगे, TCNS के नाम से नहीं है, दूसरे ब्रांड के नाम से है, बट आपने इसके शोरूम जरूर देखे होंगे मॉल्स में। तो TCNS की बात करें तो इनकॉर्पोरेटेड 1997 एंड द लीडिंग एक्सक्लूसिव वुमेन्स एथनिक एंड द फ्यूजन अपैरल्स कंपनी प्रोवाइडिंग फैशन इन अ मॉडर्न रिटेल एनवायरनमेंट। इट कंबाइन्स द फैशन एंड द फंक्शनल अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंटेम्पररी इंडियन वुमेन नीड्स। तो यहाँ पर अगर बात करें विमन के जितने भी कपड़े आते हैं ओके, तो वही ये एथनिक एज वेल एज फ्यूजन अपेरल्स में ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। इसके ब्रांड की बात करें तो आपने W ब्रांड का यहाँ पर नाम सुना होगा, यहाँ पर आपने शोरूम में यहाँ पर देखे होंगे W ब्रांड के, तो यहाँ पर अच्छी यहाँ पर एथनिक वियर ये देते हुए नजर आते हैं। तो काफी यहाँ पर एज वेल एज ये अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यहाँ पर आ गए हैं। तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको पता ही यहाँ पर चल रहे हैं, एज वेल एज बात करें यहाँ पर एथनिक वियर और जिन यहाँ पर, और जैसे जैसे ओपनिंग होती हुई नजर आ रही है, एज वेल एज यहाँ पर इस तरीके की ये सैंडल्स फुट अपैरल्स में भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो कंपनी काफी बेहतरीन है और अच्छा खासा यहाँ पर बिजनेस कर रही है। यहाँ पर और भी इनसे इनसे रिलेटेड यहाँ पर आप जा सकते हैं और देख सकते हैं, यहाँ पर माइल स्टोन्स यहाँ पर सब चीज आपको दिखाई देगी, W के नाम से यहाँ पर शोरूम है। एज वेल एज बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, तो देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, 4,882 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, ROC ROE नेगेटिव दिखाई दे रही है, बट डेट की बात करें 61% का यहाँ पर डेट भी है, और कंपनी यहाँ पर 933 रुपए का हाई बना के 791 रुपए पे यहाँ पर ट्रेड कर रही है। तो मतलब 933 से यहाँ पर बहुत नीचे ये शेयर यहाँ पर टूटा था, और इसके जो रिजल्ट थे वो काफी बेहतरीन थे। याद रखिए जब चीजें नीचे आती है तो यहाँ पर बाइंग करना होता है, जब बाइंग करेंगे लो पे तभी हम हाई पे यहाँ पर बेच पाएंगे, तो इस चीज को यहाँ पर समझिए। तो इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ और चीजों की, तो इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, शेयर कभी यहाँ पर ट्रेड किया करता था, उसके बाद चीजें यहाँ पर नीचे आई और अगेन यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम बना के चीजें यहाँ पर ऊपर गई, और एक फिर यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि हम चार्ट पढ़ेंगे तो हम यहाँ देखेंगे। रिजल्ट की बात करें क्वार्टरली, तो यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 12 क्वार्टर के अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर लगातार एक अच्छी खासी गिरावट सॉरी जंप देखी गई थी, बट पैंडेमिक की वजह से ये चीजें यहाँ पर नीचे आई, और अगेन यहाँ पर पैंडेमिक जैसे ही खत्म हुआ तो यहाँ पर अगेन 329 करोड़, हाईएस्ट एवर तो नहीं कहूंगा, हाईएस्ट एवर सेम 329 करोड़ की दिसंबर 2019 में भी था, अगेन 329 करोड़ की सेल्स, हाईएस्ट एवर ही कह लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो क्वार्टरली एज वेल एज एनुअली बेसिस पे यहाँ पर हाईएस्ट एवर आया, और जब हाईएस्ट एवर आता है तो चीजें जब नीचे आती है तो खरीदने का मौका है, इसमें चीजें ऊपर जाती है तो 20-30% के रिटर्न इजिली बन जाते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ 25 करोड़ का प्रॉफिट है, जो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा है। तो यही मैं आपको बताता हूँ कि अच्छे रिजल्ट है। देखिए कुछ चीजें अपने अपनी स्ट्रेटेजी में रखिए, स्ट्रेटेजी में रखेंगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। सबसे पहले अगर मार्केट गिर रही है तो उन शेयर की तरफ दाव लगाइए जो गिर चुके हैं और जिनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एज वेल एज नेट प्रॉफिट ईयरली क्वार्टरली बेस पे अच्छा है, तो क्वार्टरली बेसिस पे ही आपको यहाँ पर 15-20% के रिटर्न बन जाएंगे, और इजीली जब ऐसे रिटर्न की हम बात करते हैं साल में 40% के रिटर्न इजीली मिल जाते हैं, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत कहाँ करनी पड़ती है, जब कंपनीज के रिजल्ट आने यहाँ पर शुरू होते हैं। इसके अलावा ईयरली बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयरली बेसिस पर कंपनी ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करी है, 71 करोड़ से लेके कंपनी 2020 तक 1149 करोड़ लगभग 1200 करोड़ तक गई। अगेन यहाँ पर पैंडमिक का असर है और दोबारा धीरे धीरे कंपनी यहाँ पर बढ़ रही है, और जब धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ के कंपनी काम करेगी तो अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा, और कंपनी 3 करोड़ से लेके यहाँ पर अगर हम बात करें 131 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। और कंपनी लॉकडाउन की वजह से अब कंपनी ऑफिस ओपन हो रहे हैं, विमेंस बाहर जाएंगी
ओके यहाँ पर एथनिक बियर यहाँ पर बाइंग करेंगी, और जब बाइंग करेंगी तो ऑब्वियसली बात है कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करेगी। नेट प्रॉफिट यहाँ पर इस बार का नेगेटिव में था, बट ये नेगेटिव के बाद ही देखिए दोबारा पॉजिटिव भी हुआ था, तो अगेन यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करेगी। रिजर्व की बात करें, कंपनी के रिजर्व यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं, 580 करोड़ के रिजर्व अभी भी है। बोरिंग की बात करें, बोरिंग यहाँ पर देखिए कंपनी की 360 करोड़ की है, थोड़ी सी बोरिंग यहाँ पर चिंता का विषय हो सकती है, बट कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करेगी तो अगेन यहाँ पर बोरिंग यहाँ पर कम कर देगी। इसके अलावा वर्किंग प्रोग्रेस में कोई पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट लगभग 150 करोड़ रुपए का है। कैश की बात करें, 17 करोड़ रुपए का यहाँ पर कैश भी है कंपनी के पास, और यहाँ पर जो भी बिजनेस करती है वहाँ से अच्छा खासा पैसा आता ही है, और यहाँ पर देखिए क्वार्टरली ईयरली बेसिस पर अच्छे रिजल्ट है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है 32.28% के आसपास। FIs की बात करें, FIs की होल्डिंग भी लगभग एज इट इज बनी हुई है 17% के आसपास। DIs की बात करें, DIs ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है 6.57% के आसपास। पब्लिक की होल्डिंग भी एज इट इज ही है, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न में एज अभी तक ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा है। 43% की बात करें तो 43 में से यहाँ पर देखेंगे तो लगभग लगभग 38-39% के आसपास की हिस्सेदारी तो यहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने ले रखी है, और कुछ ही परसेंट की हिस्सेदारी, लगभग 4-5-6% की हिस्सेदारी यहाँ पर पब्लिक के पास नजर आती है। जब इतनी छोटी हिस्सेदारी होती है तो ऑपरेटर ऐसे शेयर को यहाँ पर भगाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए एक अच्छी खासी गिरावट हुई, 999 रुपए से शेयर यहाँ पर नीचे आया। नीचे आने पर क्या हुआ, यहाँ पर कंसोलिडेट करने लग गई थी चीजें, और ऐसे ही बहुत सारे शेयर थे जो मेरी निगाहों में थे वो भी यहाँ पर भागते हुए नजर आए। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं यहाँ पर लगा नहीं पाया, और ना ही अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑलरेडी ये शेयर जब मैंने जब से लिया है लगभग 15% तक यहाँ पर भाग चुका है, और यहाँ पर अभी देखें तो अपने ऑल टाइम हाई तक भी ये जाता है, तो यहाँ पर 33% के रिटर्न इजीली बनते हुए नजर आ रहे हो। शेयर धीरे 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 करके भागता हुआ नजर आ रहा है, जो वॉल्यूम यहाँ पर दोबारा इंक्रीज हो रहे हैं वो बताता है कि यहाँ पर शेयर दोबारा ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें, थोड़ा सा अगर हम टाइम देते हैं, तो एक चार्ट पैटर्न भी बन रहा है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। एक कप बना, कप बनाने के बाद यहाँ पर एक हैंडल बनाता हुआ नजर आ रहा है, और हैंड ये कप विद हैंडल पैटर्न के हिसाब से जो हमारे टारगेट नजर आते हैं वो टारगेट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगभग लगभग 2500-2600 के टारगेट आ रहे हैं। बट इतने लंबे टारगेट की मैं अभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये टारगेट रिजल्ट के बेसिस पे होते हैं। अगर रिजल्ट अच्छे आते रहे तो टारगेट आपको 2-3 महीने में ही, शायद 2-3 1 साल के अंदर अंदर भी कंप्लीट होते हुए नजर आ सकते हैं। बट यहाँ पर इतना अनरियलिस्टिक अभी लेके चलना कोई फायदे वाली बात नहीं होगी। एक शॉर्ट टर्म एक स्विंग ट्रेड की हम बातें करेंगे, स्विंग ट्रेड में हमें 33% के रिटर्न इजीली बन रहे हैं। लास्ट तक यहाँ पर अगर हम बने रहते हैं तो इजीली यहाँ पर यहाँ तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई देगा। मेरा यहाँ पर टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे, ओके, तब मैं यहाँ 20% से ऊपर थोड़ा सा आ जाएगा तो यहाँ पर मैं निकल जाऊंगा। बट यहाँ पर चीजें अगर ऊपर जाती हुई दिखाई दी, यहाँ पर से ऊपर गया, रिजल्ट अच्छे आए तो रिजल्ट अच्छे आने पर चीजें ऊपर जाएगी, बूम करेगा, और शेयर लगभग 1300-1400 रुपए तक जाएगा। और यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न की बात करें तो लगभग 222-223% के यहाँ पर टारगेट नजर आते हैं। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करते हैं करना, एज वेल एज यहाँ पर RSIB से सपोर्ट कर रही है कि यहाँ पर से चीजें अभी थोड़ी बहुत ऊपर जाती हुई दिखाई देंगी। और यहाँ पर कुछ एक रेजिस्टेंस और यहाँ पर सपोर्ट से रिलेटेड भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिए इसे ऊपर जाने के लिए यहाँ पर इस लेवल को निकालना बहुत जरूरी है, ओके। मेन अगर लेवल की बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडल को लगभग 811 के लेवल को अगर ये निकालता है तो यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली होगी, जो कि यहाँ पर इस शेयर को इसके ऑल टाइम हाई तक ले जाने में बिल्कुल पूरी कारगर होगी, क्योंकि राउंडिंग बॉटम बना के चीजें यहाँ पर निकलती हुई दिखाई देती है, और फिर उसके बाद चीजें नीचे आ सकती है एज क्योंकि रिजल्ट के रीजन से या फिर मार्केट की गिरावट में। तो ऐसे में हमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे यहाँ पर ट्रेड करने होंगे। पहले 20% इजीली मिल जाते थे, अभी 20% यहाँ पर थोड़े कठिन होंगे, तो इसलिए 10% 15% 8% ये निकालोगे धीरे धीरे, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेटेजी टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। तो यहाँ पर इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और यहाँ पर ये पर्टिकुलर नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट करके अपने फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।